ऑलरेडी अपलोडेड स्पॉटलाइट विद हिम, सो मैं लास्ट स्टोरी लिया था तो उसमें उसको ये सुंदर दिख रहा था, तो ये फिर से स्क्रिप्टेड लेनी पड़ी, उधर ही उधर बात करती रही जो है। एक भी नहीं, मेरे क्रश थे ही नहीं कभी। आई ओनली हैड वन क्रश व्हेन आई वाज डूइंग इट, और वो भी ऋतिक रोशन पे था। मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त तो मुझे पसंद ही नहीं आता लड़के, पता नहीं लड़कियाँ भी नहीं आती समझ सोचना। आई एम सो डन विद दीज थिंग्स। और ठीक है सुन, मेरे को डेयर है, लव यू। बोलना क्या भौंक रहा है? मैं बोल रहा हूँ मेरे को ज्यादा परेशान मत करनी, नहीं तो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। बालाजी मंदिर में भीख मांगेंगे, अप्पा अप्पा अप्पा। ऐसी बात करता है ये बदतमीज, ज्यादा क्यूट मत बनने की कोशिश करा कर है ना, बदतमीज बदकार। ओके सब यही सभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है इधर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कट लगा था, ये इधर अभी ग्लासेस निकले उसके अंदर से छोटे छोटे से पीस, तो आज मेरी पट्टी खुली है, अभी सिर्फ आज के लिए ही खुली है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हेड वॉश करना था, मैं 7 दिन से हेड वॉश नहीं करा था, एंड अभी वापस से होगी थोड़ी देर में फिर वापस। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है खुला खुला, एंड ये ड्रिप तो लगी हुई है अभी भी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को ना टॉन्सिल हो गया है और बॉडी में इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। बाकी कोई नहीं, थैंक यू सो मच सारे मेरे भाई लोग, सारी उनकी बहनें, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, प्यार देते रहो बस। एंड गाइस अभी एक रील डाली है वो चेक करो, एंड जोजो बोल रहा है कि आज की रील पे 3 लाख लाइक्स करो कंप्लीट, है ना, बोल रहा है ना, नहीं